दानिश की कैद में हिंदू लड़की, 2 महीने तक किया दुष्कर्म, जबरन पढ़वाता था नमाज, मांस खाने को करता मजबूर। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। कानपुर में लव जिहाद से जुड़ा एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ दानिश नाम के युवक ने इंस्टाग्राम के माध्यम से 14 साल की एक नाबालिग लड़की को बड़े बड़े सपने दिखाकर अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। लड़की जब उसके चुंगल में फंस गई तो उसने लड़की को अगवा कर लिया और उसे बंधक बनाकर लगातार दुष्कर्म करता रहा। इतना ही नहीं, उसे प्रतिबंधित मांस खाने और नमाज पढ़ने के लिए भी विवश करता रहा। तो आज इसी हैवान की काली करतूत से पर्दा हटाते हैं और जानते हैं क्या हो रही है मामले में कार्रवाई। दानिश ने इंस्टाग्राम पर बंगले और कार की तस्वीरें लगा रखी थी। वो बंगले के आसपास खड़े होकर फोटो खिंचवाता था और उसे भेजता था और मासूम हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था। वो अपने आप को बेहद अमीर दिखाता। हालांकि दानिश एक नाले पर बने एक कमरे की झुग्गी में परिवार के साथ रहता था। लड़की जब उसके झांसे में आ गई तो उसे अपनी झुग्गी में उसे बंधक बना लिया। जब कमरे में उसके परिवार के लोग सो जाते, वो लड़की का मुंह दबाकर उसके साथ घिनौनी हरकत करता और शोर मचाने पर धमकी दिया करता था, उसे धमकाता था। मिली जानकारी के मुताबिक ये मामला कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र का है। दानिश पुत्र गुलफाम ने 14 साल की हिंदू लड़की को 22 अक्टूबर 2023 को मिलने के लिए बुलाया था। जब लड़की आई तो उसे मेकुआ पुरवा लेकर गया और वहां बंधक बना लिया। वो नाबालिग से 2 महीने तक दुष्कर्म करता रहा। इस दौरान लड़की ने भागने की कई बार कोशिश भी की लेकिन नाकामयाब रही। पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि दानिश उसे जबरन मांस खिलाता था और नमाज पढ़वाता था। इतना ही नहीं, मांस खाने, नमाज पढ़ने और निकाह करने से मना करने पर दानिश उसे हत्या की धमकी देता था। इसमें उसका पूरा परिवार भी उसकी मदद करता था। मना करने पर उसे मारा पीटा जाता। यही नहीं, दानिश 30 दिसंबर 2023 को उसका धर्मांतरण करा के उसे जबरन निकाह भी करने वाला था। हालांकि इस बीच उसके बारे में हिंदू संगठनों को जानकारी मिल गई तो हिंदू संगठन मौके पर पहुंच गए और पीड़ित हिंदू लड़की को दानिश के चंगुल से मुक्त करा लिया गया। आपको बता दें कि पीड़ित लड़की के पिता एक फैक्ट्री में काम करते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी का 3 महीने पहले सोशल मीडिया पर एक मुस्लिम लड़के से जान पहचान हुई थी। बाद में वो उनकी बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर चला गया। लड़की के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं इस पूरे मामले में विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष आनंद सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मेकुआ पुरवा के पास की रहने वाली दुर्गा वाहिनी की कार्यकर्ता ने उन्हें किशोरी के बंधक होने की सूचना दी थी, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता आरोपी के ठिकाने पर पहुंचे। पहले तो डरी धमकी लड़की ने आरोपी के पक्ष में बात की लेकिन बाद में रोने लगी और अपनी पूरी आपबीती बताई। उन्होंने आगे बताया कि आरोपी और उसका पूरा परिवार उसे जबरन मांस खिलाते थे। बोलते थे कि इससे तुम हिंदू से मुस्लिम बन जाओगे, फिर तुम्हारा निकाह करा देंगे। वो लोग रोज उसे नमाज पढ़वाते थे, मना करने पर उसकी पिटाई करते थे। एक दिन युवक और उसका पत्रकार साथी मौलाना को लेकर ठिकाने पर पहुंचे और 30 दिसंबर 2023 को निकाह की बात की थी। वहीं विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष आनंद सिंह ने बताया कि इस पूरे मामले की सूचना मिलने के बाद उनकी टीम दानिश के ठिकाने पर पहुंची और पीड़ित हिंदू लड़की को मुक्त कराकर पुलिस के माध्यम से घर पहुंचा दिया गया। इस मामले में चकेरी थाना प्रभारी ने बताया कि बजरंग दल कार्यकर्ता के माध्यम से जानकारी मिली थी। वहीं कानपुर कमिश्नरेट के ADCP ईस्ट ने बताया कि आरोपी दानिश को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में केस भी दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई चल रही है। दिनांक 29/12/2023 को थाना चकेरी पर एक व्यक्ति ने उपस्थित होकर यह सूचना दी कि उसकी नाबालिग पुत्री जो 22 अक्टूबर 2023 को कहीं चली गई थी, वह वापस आ गई है। वापस आने के बाद घर वालों ने जब उस पुत्री से पूछताछ करी तो उसने बताया कि पहले किसी लड़के के साथ चली गई थी और इतने समय तक वही लड़का उसको अपने घर में रखे हुआ था। पिता की लिखित तहरीर के आधार पर पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है
अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है तथा उससे पूछताछ अभी प्रचलित है। आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। पीड़िता ने हिंदू संगठनों से अपनी आपबीती में बताया कि दानिश ने इंस्टाग्राम पर बंगले और कार की तस्वीरें लगा रखी थी। वो बंगले के आसपास खड़े होकर फोटो खिंचवाता था और उसे भेजा करता था। जब वो उसे लेकर आया तो एक झोपड़ी में लाया था। इस झोपड़ी में पर्दा टंगा था और उसी में उसका पूरा परिवार रहता था। ये कोई पहला मामला नहीं है, ऐसे ही कई मामला रोजाना सामने आते हैं जहां हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाया जाता है और फिर उन्हें धर्म बदलने के लिए मजबूर किया जाता है। एक ऐसा ही मामला बीते दिनों उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से सामने आया, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में रियाज उर्फ मुगले आजम ने एक शादीशुदा दलित महिला के अपने साथियों के साथ अपहरण किया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। अब पुलिस ने रियाज और उसके चारों साथियों को सामूहिक दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक विवाहित का अपने परिजनों से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। वो गुस्से में गांव से बाहर सड़क तक चली गई थी, लेकिन जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो वो वापस लौटने लगी तो रियाज और उसके साथियों ने उसका अपहरण कर लिया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। ये वारदात बाराबंकी के देवा थाने इलाके की है। वहीं पीड़िता के पिता ने बताया कि 25 दिसंबर की रात करीब 9 बजे उनकी बेटी का अपने ससुराल की एक महिला से विवाद हो गया था, जिसके बाद वो गुस्से में आकर अपना घर छोड़कर सड़क की ओर चली गई थी। जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसने घर लौटने का फैसला किया। इसी बीच उसे रास्ते में देवा निवासी आरोपी मुगले आजम उर्फ रियाज और उसके तीन साथी मिले, जिन्होंने उसका सफेद रंग की कार में अपहरण किया और उसे देवा BSNL टावर के पास ले जाकर एक इमारत में बांध दिया। पीड़ित महिला 1:30 बजे अपने पिता को फोन करने में कामयाब रही और उन्हें घटना की जानकारी दी गई। इसके बाद पीड़िता के भाई ने पुलिस को बुलाने के लिए 112 नंबर पर डायल किया। हालांकि तब तक पुलिस पहुंची, आरोपी भाग चुके थे। पीड़िता के पिता ने इस संबंध में देवा थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर चारों आरोपियों के खिलाफ धारा 376 बलात्कार, 342 और SC/ST एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज किया है। इसी बीच मामले में मुख्य आरोपी रियाज को गिरफ्तार भी कर लिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपने साथियों की पहचान बताई, जिनकी पहचान भूरे शंभू और इस्माइलुद्दीन के रूप में हुई थी। वहीं पुलिस ने CCTV फुटेज की जांच की और अपराधियों के खिलाफ सबूत मिल गए। इसके बाद अन्य तीनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पीड़िता की मेडिकल जांच कराकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये तो हमने आपको हाल के सिर्फ 2 मामले गिनवाए, लेकिन ऐसे ही मामले आए दिन आते ही रहते हैं जहां हिंदू लड़कियों को शिकार बनाया जाता है और उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता है। या तो उनका शारीरिक शोषण किया जाता है या फिर उन्हें मजबूर किया जाता है। जहां एक विकसित भारत के लक्ष्य के लिए देश अपने स्वर्णिम काल से गुजर रहा है, गुलामी की जंजीरों को लोग तोड़ रहे हैं, आर्थिक उन्नति भी पूरी दुनिया में सबसे तेज अपने देश में हो रही है, इसका असर सामाजिक स्तर पर भी पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विदेशी फंडिंग के सहारे इस्लामी और ईसाई धर्मांतरण का जाल बिछाया जाता है, लोगों को प्यार नौकरी पैसे के जाल में फंसाया जाता है। लेकिन अब सरकार लगातार ऐसे लोगों पर ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। सरकार कानून लगातार इस्लामी और ईसाई धर्मांतरण रैकेट का पर्दाफाश कर रहे हैं, इनके जाल को तोड़ा जा रहा है। प्रलोभन में आकर जो सनातन भाई बंधु लोग इनके जाल में फंस गए थे, वो फिर से हिंदू बन रहे हैं, घर वापसी कर रहे हैं, अपनी जड़ों की ओर लौट रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी कट्टर मजहबियों ने धर्मांतरण कराना छोड़ दिया है, लेकिन अब चावल और दवाइयों के लालच में लोग कम फंस रहे हैं। जो फंस गए हैं वो भी आर्थिक उन्नति होने से अब ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जब ये सब समझ में आता है तो लोग अपने वास्तविक सनातन धर्म को याद करते हैं और घर वापसी कर लेते हैं। धर्मांतरण की तमाम साजिशों के बीच साल 2023 में घर वापसी करने वाले ऐसे लोग और परिवार वाले सैकड़ों हैं। इस स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Capital TV। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूँ। मैं लोगों के बीच रहता हूँ, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूँ।
पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता है। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़ ना कोई रेस, कैपिटल टी उत्तर प्रदेश।